गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सिविल कोड डेटा. इन प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो टॉक अबाउट द एफिनिटीज ऑफ सिविल कोड डेटा एंड इन दिस क्लास वी ओनली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिविल कोड डेटा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे. देखो बच्चों, जो डेवलपमेंट है ब्रेकियोस्टोमा का, मतलब सिविल कोड डेटा का, है ना. और इसका जो फेमस एग्जांपल है वो है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको आप कॉमनली जो है एम्फियोक्सिस के नाम से भी जानते हो. और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट का मतलब है कि इसके इसका जो विकास है ना, वो कैसे होगा, लार्वल स्टेज के द्वारा होगा. इसमें एक लार्वल स्टेज होगी. तो अर्ली एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है एग का, मतलब उसका रूपांतरण है ना, मॉडिफिकेशन विच हैविंग लेस योक. तो जो योक का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है. इनटू अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड एनिमल इज फार इजियर टू फॉलो देन इन एनी अदर वर्टिब्रेट. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसका जो डेवलपमेंट है, इसकी जो अर्ली एम्ब्रियोलॉजी है ना. तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एग का, जिसके पास जो है बहुत ही ज़्यादा कम योक होता है. और किस में रूपांतरित हो जाता है, ये एक जटिल एनिमल में, जटिल जीव में, है ना, कॉम्प्लेक्स एनिमल में. द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस इज ऑफ ग्रेट फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजेंबल विद डोज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स लाइक काइनोटर्मेट्स ऑन वन हैंड एंड वर्टिब्रेट्स ऑन द अदर. तो इसका जो अर्ली डेवलपमेंट है ब्रेंकियोस्टोमा का, यानी कि एम्फियोक्सिस का, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है. क्योंकि एक हाथ तो ये इन्वर्टिब्रेट्स के साथ जो है समानता रखता है, जैसे कि काइनोटर्मेट्स, और दूसरे हाथ हम बात करें तो ये वर्टिब्रेट्स के साथ भी समानता रखता है. जो डेवलपमेंट है एपिक्सिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय मैनी साइंटिस्ट सच एज हैटसेक 1882, 1888, विल्सन 1883, सर फॉन्टाइन 1906 एंड कॉन्क्लिन 1932. द वर्क ऑफ कॉन्क्लिन 1932 इज मोस्ट रिसेंट एंड एक्सेप्टेड वन. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके गैमेट्स की, और गैमेट्स में भी किसकी बात कर लेते हैं, मेल गैमेट्स की. तो स्पर्मेटोजोन ऑफ एम्फियोक्सिस हैज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिलेट. फ्लेजिलेट स्पर्मेटोजोन, मतलब उसके पास फ्लेजिला होता है. और दैट इज इट कंटेन्स ए स्फेरिकल हेड, अ वेरी शॉर्ट मिडल पीस एंड अ लॉन्ग टेल. तो जनरली जैसे ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, तो ऐसे ही जो है इसका स्पर्म होता है. क्या होता है, उसके पास एक शॉर्ट मिडल पीस होता है, स्फेरिकल हेड होता है और एक लॉन्ग टेल होती है. अब बात करते हैं इसकी ओवा की. तो इसका जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है. द अनफर्टिलाइज ओवियम और सेकेंडरी ओसाइट ऑफ एम्फियोक्सिस इज 0.10 mm टू 0.12 mm इन डायमीटर. तो ये इसका डायमीटर बता रखा है कि इसका जो डायमीटर है ओसाइट का वो कितना है, 0.10 to 0.12. इट इज़ माइक्रो लेसिथल, मतलब जो लेस योक है, मतलब योक की जो कंटेंट है वो कम है. एंड आइसोलेसिथल, माइक्रो लेसिथल और आइसोलेसिथल का मतलब ये है कि माइक्रो लेसिथल का मतलब तो ये हो गया कि योक की जो कंटेंट है वो लेस है. आइसोलेसिथल का मतलब ये हो गया कि वो पूरे अंडे में जो है समान रूप से फैला हुआ है. ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही पोल से अटैच है, मतलब एक साइड से अटैच है या एक साइड पर ज़्यादा है दूसरी साइड पर कम है, ऐसा कुछ नहीं है. आइसोलेसिथल है मतलब पूरे अंडे में जो है समान रूप से फैला हुआ है. इट इज़ सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये जो सराउंडेड है किसी द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा. विच इज़ फर्दर सराउंडेड बाय अ थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. तो उसके चारों तरफ पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके चारों तरफ क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन है, जो कि किसकी बनी हुई है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की. इट्स न्यूक्लियस इज ईसेंट्रिक लाइंग एट द एनिमल पोल. तो इसका जो न्यूक्लियस है वो ईसेंट्रिक है, मतलब सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा हटके है और एनिमल पोल की तरफ है. द एग अंडरगोज इट्स फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन बिफोर इट लीव्स द ओवरी. तो इसका जो पहला मैच्योरेशन डिवीजन होता है, जब ये ओवरी को छोड़ने से पहले इसका जो है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है. द एनिमल पोल इज फ्री फ्रॉम योक एंड द साइटोप्लाज्म. तो जो एनिमल पोल है वो
वहाँ पर जो है योक नहीं होता, और साइटोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म टू आर्ट द वेजिटल पोल कंटेन सम योक डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। और जो वेजिटल पोल की तरफ का जो क्या है वो साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर जो है कुछ योक होता है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है समान रूप से। तो ये गैमेट्स है इसके, अनफर्टिलाइज ओवियम है ना, देख लेते हैं ना, ये इसका ओवियम है, ये वेजिटल पोल, और दूसरी तरफ इसके एनिमल पोल होगा, ये जर्मिनल वेसाइकल और न्यूक्लियस है ना, और ये योक है, और क्लियर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। अब अगर इधर देखें तो ये इसका हेड है, नेक है, मिडल पीस है, और टेल है फ्लैजेलम की। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी में होता है ना, टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग सी वाटर, तो जो जहाँ भी पानी होगा समुद्री पानी। वेयर एग्स एंड स्पर्मेटो जो आर सेट, तो एग्स और स्पर्मेटो जो है बाहर छोड़ दिया जाता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन द ओवियम हैज़ आउटर थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्मिक लेयर, सेंट्रल योकी साइटोप्लाज्म मेनली टुवर्ड्स दी वेजिटल पोल एंड अ फ्लूइड फिल्ड जर्मिनल सैक और न्यूक्लियस टुवर्ड्स दी एनिमल पोल। फर्टिलाइजेशन से पहले जो ओवियम है उसके पास बाहरी एक पतली विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको एनक्लोज करती है एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्मिक लेयर को, जिसके अंदर जो है सेंटर में योकी साइटोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म में योक है जो कि मुख्यतः किसकी तरफ है, वेजिटल पोल की तरफ, और एक फ्लूइड फील्ड जो है जर्मिनल सैक या न्यूक्लियस है किसकी तरफ, एनिमल पोल की तरफ। फर्टिलाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म एंटर्स द एग नियर द वेजिटल पोल, तो जो स्पर्म है वो एंटर्स करता है किसके पास से, वेजिटल पोल के पास से, विच प्रोवाइड्स ए स्टिमुलस फॉर द एग, जो एक एग है उसको जो है स्टिमुलेट करता है सेकेंडरी ओसाइट को टू अंडरगो इट्स सेकेंड मैच्योरेशन डिवन डिवीजन। तो स्पर्म के स्टिमुलस से जो है क्या होता है, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन का जो है स्टार्ट होता है। अब पोलर बॉडी इज एक्सट्रूडेड विच कम्स टू लाई नियर द एनिमल पोल इन साइड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, तो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट होता है और उसके साथ ही जो है सेकेंड पोलर बॉडी जो बनती है वो बाहर निकाल दी जाती है। और कहाँ पर होती है ये, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर एनिमल पोल की तरफ, विद इन द पेरिवेटलाइन स्पेस, जहाँ पर जो स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, पेरिवेटलाइन स्पेस। इट इज़ स्पेस फॉर्म बाय द एलिवेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये जो स्पेस है वो कैसे बना है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से बना है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जिसका जो ओरिजिन हुआ है। इट मार्क्स द एनिमल पोल ऑफ द एग, द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग माइग्रेट टुवर्ड द इक्वेटर ऑफ द एग। अब जो है जो न्यूक्लियाई हैं दोनों के, स्पर्म के और एग के, वो इक्वेटर की तरफ जो है माइग्रेट करेंगे एंड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट न्यूक्लियस, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। द साइट ऑफ फ्यूजन इज जनरली अबोव द इक्वेटर ऑफ द एग, तो जो साइट है फ्यूजन की दोनों न्यूक्लियस के वो कहाँ पर है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, मतलब मध्य से थोड़ा ऊपर है, एंड स्लाइटली टुवार्ड द साइड विच विल इवेंचुअली बी द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो। और थोड़ा सा जो है किसी तरफ है, साइड की तरफ है, मतलब एक साइड है जो कि बाद में चल करके एम्ब्रियो का पोस्टीरियर साइड बनाएंगे, पोस्टीरियर एंड। तो देखिए ये फर्स्ट पोलर बॉडी है और ये जो है आपकी सेकंड पोलर बॉडी है, और ये जो है दोनों के न्यूक्लियस है प्रोन्यूक्लियाई, और ये स्पर्म ने एंटर किया यहाँ से, ये स्पर्म एंटर करेगा
और ये सबसे बाहर वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर जो कौन सी मेम्ब्रेन है? फर्टिलाइजेशन जो है मेम्ब्रेन है। अब बात करते हैं प्रीजम्पटिव एरियाज की। द फर्टिलाइज एग और जाइगोट इज मोजेक। सो जो फर्टिलाइज एग और जाइगोट होता है वो मोजेक होता है, डिप्लॉयड होता है एंड हैज 24 क्रोमोजोम्स। कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 24। इट इमिजिएटली गिव्स आउट अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड इट्स साइटोप्लाज्म बिकम्स रीअरेंज टू फॉर्म प्रीजम्पटिव एरियाज। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो रीअरेंज हो जाता है प्रीजम्पटिव एरियाज को फॉर्म करने के लिए। दैट फॉर्म डेफिनेट फ्यूचर ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल। प्रीजम्पटिव एरियाज के मतलब कि आपको क्लियरली जो है मालूम चल जाएगी कि इस हिस्से से आगे चल करके कौन सा ऑर्गन बनेगा। जो फ्यूचर ऑर्गन्स हैं उनका जो है प्रीजम्पशंस हो जाती हैं। क्लियर साइटोप्लाज्म और एंटीरियर हाफ फॉर्म्स एक्टोडर्म। तो जो क्लियर साइटोप्लाज्म है एंटीरियर हाफ का वो क्या बनाएगा? एक्टोडर्म। योकी साइटोप्लाज्म डेवलप्स इनटू एंडोडर्म, जबकि क्रिसेंट शेप्ड ग्रेनुलर एरिया गिव्स राइज टू मीजोडर्म। एट द एनिमल पोल की तरफ जो है एरिया ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म डेवलप्ड बाय रप्चर ऑफ जर्मिनल वेसाइकल। ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म लोकेटेड इन पेरिफेरल रीजन फ्लोज डाउनवर्डली टुवर्ड्स वेजिटल पोल एंड कंडेंसेस टू फॉर्म ग्रे क्रिसेंट। देखिए ये इसकी डोर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है, ये इसकी एंटीरियर साइड है और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। तो यहाँ पर जो है आपको भिन्न भिन्न जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है एरियाज दिख रहे हैं। और ये हमारी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है इसकी, और बीच में एक क्रोमोजोम्स है। तो देखिए बच्चों क्या है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जो कि आगे चल करके मतलब इनका फ्यूचर पहले ही डिसाइड हो चुका है। जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे ये क्या बनाएगा? मीजोडर्म क्रिसेंट। फ्यूचर मीजोडर्म को ये बनाएगा और एंडोडर्म को ये बनाएगा और नोटोकोड यहाँ से बनेगी और नर्वस सिस्टम यहाँ से बनेगा और ये क्या बनाएगा? एक्टोडर्म को बनाएगा। तो इन एरियाज की जो है प्रीजम्पशंस हो चुकी है कि ये आगे चल करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का जो है फॉर्मेशन करेंगे। अब बात करते हैं क्लीवेज की और ब्लास्टुलेशन की, जो कि जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। अगर इसके क्लीवेज की बात करें तो वो कंप्लीट और होल ब्लास्टिक मतलब संपूर्ण रूप से है और ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल टाइप लगभग समान प्रकार का है। जो इसका फर्स्ट क्लीवेज है वो मेरिडियोनल होगा विच कट्स थ्रू द एग अलॉन्ग इट्स मीडियन एक्सिस रिजल्टिंग इनटू टू इक्वल साइज्ड ब्लास्टोमियर। सपोज करें ये इसका फर्टिलाइज एग है तो ऐसे जो है इसका डिवीजन होगा और ये जो है दो ब्लास्टोमियर में डिवाइड हो जाएगा। द राइट एंड लेफ्ट विच फॉर्म्स द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एडल्ट एनिमल। जो कि बेसिकली ये जो मैंने बताया है कि ये जो फर्टिलाइज एग है ये इसका जब डिवीजन होगा तो ये क्या बन जाएगा? इसकी लेफ्ट साइड, ये इसकी राइट साइड है ना, जो कि बेसिकली आगे चल करके क्या बनेगी? राइट साइड और लेफ्ट साइड बनेगी एनिमल की। द सेकेंड क्लीवेज इज अगेन मेरिडियोनल बट एट राइट एंगल टू द फर्स्ट एंड डिवाइड द फर्स्ट टू ब्लास्टोमियर इंटू फोर इक्वल साइज ब्लास्टोमियर। तो उसका जो सेकेंड जो क्लीवेज होगा वो भी मेरिडियोनल होगा, लेकिन वो कैसा होगा? एट राइट एंगल होगा किसके? फर्स्ट के। मतलब ये फर्टिलाइज एग, ये फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है, ये फर्स्ट ब्लास्टोमियर, ये सेकेंड ब्लास्टोमियर। इसके बाद सेकेंड जो क्लीवेज है वो भी मेरिडियनल बट एट राइट एंगल टू मतलब 90 डिग्री होगा इसके। और इस प्रकार जो है जो ब्लास्टोमियर की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3 और 4। तो ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स हैं। जो थर्ड डिवीजन है इज हॉरिजॉन्टल होगा, पासिंग जस्ट अबोव द इक्वेटर
फॉर्म फोर अपर स्मॉलर माइक्रोमीटर्स नियर द पोलर बॉडी। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला इसने कि जो थर्ड डिवीजन है वो हॉरिजॉन्टल होगा, पासिंग जस्ट अबो द इक्वेटर, फॉर्मिंग फोर अपर स्मॉलर माइक्रोमीटर्स नियर द पोलर बॉडी एंड फोर लोअर लार्ज मैक्रोमीटर्स एट द वेजिटल पोल। देखिए पहला ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, इस तरह से। देखिए यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला ये था, पहला डिवीजन ये, फिर दूसरा ऐसे, और फिर जो है ऊपर होगा मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे, ऊपर माइक्रोमीटर बन जाएंगे और नीचे जो है मैक्रोमीटर बन जाएंगे। मतलब ये जो ऊपर की सेल्स हैं वो छोटी हैं एज कम्पेयर टू मैक्रोमीटर, और इस तरह से जो है डिवीजन इसका होता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए ये फर्टिलाइज एग टू सेल स्टेज ऐसे हुआ, और फिर जो है फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, और फिर 16 सेल स्टेज, और फिर 32 सेल स्टेज। देखिए द थर्ड डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल जस्ट पासिंग जस्ट अबव द इक्वेटर, फॉर्मिंग फोर अपर स्मॉलर माइक्रोमीटर्स नियर द पोलर बॉडी एंड फोर लोअर लार्ज माइक्रोमीटर्स एट द वेजिटल पोल। तो जो स्मॉलर माइक्रोमीटर्स हैं वो किसके पास है, पोलर बॉडी के पास है, और माइक्रोमीटर्स किसके पास किस तरफ है, वेजिटल पोल की तरफ है। फोर्थ क्लीवेज इज अगेन मेरिडियोनल कटिंग ऑल द एट ब्लास्टोमीटर्स सिंक्रोनसली। तो सभी जो एट ब्लास्टोमीटर्स हैं उसके बाद जो है फोर्थ क्लीवेज मेरिडियनल होगा। 16 सेल स्टेज इज फॉर्म हैविंग एट माइक्रोमीटर्स एंड एट माइक्रोमीटर्स। तो जो 16 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, उसमें जो है आठ जो है माइक्रोमीटर होंगे और आठ जो है क्या होंगे, माइक्रोमीटर होंगे। द फिफ्थ क्लीवेज इज लैटिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल एट सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस रिजल्टिंग इनटू 32 सेल्स अरेंज्ड इन फोर टायर्स। तो फाइनली जो है 32 कोशिकाएं मिलेंगी जो कि चार टायर्स के रूप में होंगी। द सिक्स्थ क्लीवेज इज मेरिडियनल एंड सिंक्रोनस प्रोड्यूसिंग 64 ब्लास्टोमीयर्स। लेटर क्लीवेज विल नॉट बी सिंक्रोनस अप टू दिस स्टेज, द ब्लास्टोमीयर्स रिमेन्स लूजली पैक्ड एंड फॉर्म द मोरूला। तो इसके बाद ये जो ब्लास्टोमीयर्स हैं ये मोरूला स्टेज को बनाएंगे। Meanwhile, a semi-fluid material accumulates in the center of morula. तो finally जो है morula के center में एक semi-fluid material जो है accumulate हो जाता है। देखिए यहाँ पर तो 32 cell stage दे रखी हैं। आगे समझेंगे इसको। इसके बाद क्या होगा, इट पुशेज ऑल द ब्लास्टोमीयर्स आउटवर्ड ड्यूरिंग फर्दर क्लीवेज ऑफ द मोरूला सो दैट दे बिकम अरेंज इन अ सिंगल लेयर कॉल्ड ब्लास्टोडर्म एनक्लोजिंग अ सेंट्रल फ्लूइड फिल्ड कैविटी द ब्लास्टोसील। दिस एम्ब्रियोनिक स्टेज इज कॉल्ड द ब्लास्टुला एंड फुली डेवलप्ड ब्लास्टुला ऑफ एम्ब्रियोसिस इज कॉल्ड द सीलो ब्लास्टुला। तो जो है सेल्स जो है कुछ इस तरह दिखाई देते हैं आपको, कुछ इस तरह है ना। और ये जो सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी है उसको क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील। देखिए ये जो कैविटी है इसको क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। और इसी एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्या बोला जाता है, ब्लास्टुला। और जो एम्फियोक्सिस का जो फुली डेवलप्ड ब्लास्टुला है उसको क्या बोला जाएगा, सीलो ब्लास्टुला। द सेल्स एट द वेजिटल पोल ऑफ ब्लास्टुला आर लार्जर देन एट द
एनिमल पोल, तो जो प्लास्टुला के वेजिटल पोल की तरफ की जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, बड़ी होंगी एनिमल पोल से। एट द ब्लास्टोडर्म इज देयर फॉर थिकर एट द वेजिटल पोल, इसलिए जो ब्लास्टोडर्म है वो ज़्यादा थिक होगी किसी तरफ, वेजिटल पोल की तरफ, वेजिटल पोल की तरफ। द सेल्स ऑफ वेंट्रल और मीजोडर्मल क्रिसेंट आर स्मॉल साइज स्फेरिकल अम्यूबोसाइट्स, और जो मीजोडर्मल क्रिसेंट की सेल्स हैं वो कैसी हैं, स्मॉल साइज है, स्फेरिकल अम्यूबोसाइट्स हैं। देखिए यहाँ तक जो है ये ब्लास्टुला स्टेज है, जो जे है ना, जो जे है ये है ब्लास्टुला स्टेज। और आई की बात करें, आई कहाँ पर है, ये है मोरूला स्टेज, तो ये जो है मोरूला स्टेज है, मोरूला, और ये जो है ब्लास्टुला स्टेज है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रुला की, तो गैस्ट्रुला में क्या होगा, द चेंजेस विच कन्वर्ट द सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला इंटू टू लेयर्ड गैस्ट्रुला कॉन्स्टिट्यूट गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुला बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और उसमें जो है क्या होता है, सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला जो है टू लेयर्ड गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स विद द रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉलर वेंट्रल माइक्रोमियर्स, इसमें जो है जो स्मॉलर जो माइक्रोमियर्स मीयर्स हैं उन उनमें प्रोलिफरेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। एज ए रिजल्ट द लार्जर डोर्सल योकी मेकामियर्स और एंडोडर्मल सेल्स फर्स्ट बिकम फ्लेटेंड देन कनकेव एंड ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द प्लास्टोसील। तो इसलिए इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो बड़ी जो डोर्सल योकी मेगामियर्स है या एंडोडर्मल सेल्स हैं, पहले वो फ्लैट होंगी, उसके बाद कनकेव होंगी उनकी जो शेप है, और धीरे धीरे वो ब्लास्टोसील के अंदर धकेल दी जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन और इम्बोली, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इन्वेजिनेशन और इम्बोली। इट प्रोसीड्स टिल दी ओरिजिनल ब्लास्टोसील इज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड एंड सेकेंडरी कैविटी कॉल्ड अर्गेंट्रॉन फॉर्म्स। तो ये जो प्रोसेस है इन्वेजिनेशन का, ये जब तक चलता रहता है जब तक जो ओरिजिनल ब्लास्टोसील है वो ख़त्म नहीं हो जाती और एक सेकेंडरी कैविटी यानी कि अर्गेंट्रॉन का निर्माण नहीं होता, और जो कि ओपन होती है, ओपन थ्रू दी एक्सटीरियर थ्रू वाइड ओपनिंग, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। और ये जो आर्गेंट्रॉन, ये जो सेकेंडरी कैविटी बनी है, ये एक वाइड ओपनिंग के थ्रू, ब्लास्टोपोर के थ्रू जो है बाहर खुलती है। द एम्ब्रियो नाउ बिकम्स बाउल और कप शेप्ड एंड डबल लेयर्ड गैस्ट्रुला। तो अब जो है एम्ब्रियो कैसा बन जाएगा, एक कप शेप स्ट्रक्चर होगी उसकी डबल लेयर्ड गैस्ट्रुला में। साइमल्टेनियसली दी प्रीजम्पटिव नोटोकॉर्डल सेल्स रोल इनवार्ड, जो नोटोकॉर्डल सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जो है जाएंगी अलोंग द डोर्सल एज और डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, फॉलोड बाय द प्रीजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स रोलिंग इनवार्ड्स अलोंग द लेटरल एंड वेंट्रल लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। तो जो प्रीजम्पटिव नोटोकॉर्डल सेल्स हैं वो डोर्सल लिप है, जो ब्लास्टोपोर का एक वेंट्रल लिप है, एक डोर्सल लिप है, उसके पीछे पीछे जो है मीजोडर्म सेल्स हैं वो भी रोलिंग करेगी अंदर की तरफ लेटरल और वेंट्रल लिप जो ब्लास्टोपोर का है। ये जो मीजोडर्मल सेल्स हैं वो कहाँ से करेंगे, जो लेटरल और वेंट्रल लिप है ब्लास्टोपोर का, और इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इन्वोल्यूशन। एट द सेम टाइम द लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर ग्रो बैकवर्ड्स, जो लिप्स है ब्लास्टोपोर का वो पीछे की तरफ जो है ग्रो करता है, सो दैट लार्वा इलोंगेट्स अलोंग इट्स एंटेरो पोस्टीरियर एक्जिस विद द फ्लेट डोर्सल सरफेस। द डोर्सल लिप ग्रोज फास्टर, जो डोर्सल लिप है वो ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करता है, सो दैट ब्लास्टोपोर शिफ्ट्स फ्रॉम डोर्सल टू पोस्टीरियर एंड बिकम्स रिड्यूस्ड टू अ स्मॉल ओपनिंग एंड परसिस्ट एज एनस। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी ब्लास्टुला की,
अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ब्लास्ट वाला, ये सॉरी, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ब्लास्ट वाला है कुछ इस तरह से बनना शुरू होगा, ठीक है, धीरे धीरे और भी ये ऐसा होता चला जाएगा, और फाइनली क्या होगा, कुछ इस तरह की कप लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन होगी। अब ये इसकी एंटीरियर साइड है और ये प्लास्टोसील थी, ये धीरे धीरे जो है ख़त्म होती चली जाएगी, और ये जो नई कैविटी बन रही है इसको क्या बोल रहे हैं, आर्गेंट्रॉन बोल रहे हैं। तो ब्लास्टोसील जो है डिसअपियर हो रही है, और ये जो है वेंट्रल लिप है ब्लास्टोपोर का, और ये जो है डॉर्सल लिप है ब्लास्टोपोर का, और यहाँ पर जो है नोटोकॉर्ड सेल्स आ गई हैं, और बाहर की तरफ जो है एक्टोडर्म है ना, और ये जो सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी आगे चल करके, न्यूरल प्लेट मतलब नर्व कॉर्ड का निर्माण करेंगी। तो ये है हमारे पास कंप्लीट गैस्ट्रोला। तो इसमें यही बता रखा है कि जो लार्वा है इलोंगेट्स एंटीरो पोस्टीरियर एग्जिस विद अ फ्लैट डोर्सल सरफेस। इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो फ्लैट है, और इसलिए जो है अब ये जो ब्लास्टोपोर की जो ओपनिंग है यही आगे चल करके जो है एनएस का निर्माण करेगी, एनएस के रूप में खुलेगी। द एक्टोडर्मल सेल्स फॉर्मिंग द आउटर सरफेस एक्वायर सीलिया, और जो एक्टोडर्मल सेल्स है बाहर की तरफ जो सेल्स हैं वो आउटर सरफेस को बनाएगी, जिनके पास जो है सीलिया होंगे, विच हेल्प इन रोटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन साइड इट्स विटिलाइन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और जो किसमें मदद करेंगे, एम्ब्रियो के रोटेशन में मदद करेंगे उसकी फर्टिलाइजेशन या विटिलाइन मेम्ब्रेन के अंदर। आप इस डायग्राम को आराम से बैठ करके समझिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।